सिनेमा और राजनीति, वैसे कहने को तो दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं, लेकिन इसे अगर हिंदुस्तान के नजरिए से देखा जाए तो दोनों में चोली दामन का साथ मिलेगा। कभी राजनीति में हुई घटनाओं को सिनेमा के पर्दे पर उकेरा जाता है तो कभी सिनेमा की आवाज राजनीति को प्रभावित करती है। कभी सिनेमा की शोहरत से एक अभिनेता नेता बन जाता है तो कभी सिनेमा को उन्हीं राजनेताओं के सामने झुकना भी पड़ता है। कभी राजनीति की कलई खोलती है सिनेमा तो कभी राजनीति में फंसती है सिनेमा। समय समय पर सिनेमा जगत से कई अभिनेता राजनीति की चाशनी चखने आते ही रहते हैं। कुल मिलाकर देखें तो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे से लगते हैं। इन सब में नेहरू यानी गांधी परिवार और बच्चन परिवार के संबंधों के चर्चे अक्सर सुर्खियों में रहा करते हैं। आज भी अमिताभ बच्चन और नेहरू को लेकर तमाम तरह की किंवदंतियां प्रचलित हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक वक्त जिन दो परिवारों के बीच दांत कटी रोटी थी, बाद में उन संबंधों में ऐसी खटास आई कि आज दोनों परिवार एक दूसरे को फूटी आंखों नहीं सुहाते। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक रशीद किदवई की किताब नेता अभिनेता में बड़े ही सिलसिलेवार तरीके से बच्चन और नेहरू परिवार के संबंधों पर चर्चा की गई है। साथ ही हमने इस वीडियो को बनाने के लिए संतोष भारतीय की किताब से भी कुछ अंश लिए हैं। सबसे पहले तो प्रश्न यही उठता है कि नेहरू और बच्चन परिवार के संबंधों की शुरुआत हुई कैसे। शुरुआत होती है जवाहरलाल नेहरू और हरिवंश राय बच्चन के संबंधों से। हरिवंश राय बच्चन भारतीय विदेश मंत्रालय में हिंदी अधिकारी थे और बच्चन की हिंदी समझ और कविताओं से नेहरू जी काफी प्रभावित थे। यहीं से दोनों परिवारों के बीच नजदीकी आई। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी और तेजी कौर काफी अच्छी दोस्त थी। कहते हैं जब हरिवंश राय बच्चन और तेजी कौर की शादी हुई तो हरिवंश राय बच्चन के पिता प्रताप नारायण श्रीवास्तव इस शादी के खिलाफ थे, क्योंकि तेजी बच्चन पंजाबी थी और ये कायस्थ। उस वक्त इंदिरा गांधी ने दोनों को मिलाने के लिए भरपूर प्रयास किया। बस यहीं से दोनों परिवार के संबंध और प्रगाढ़ होते गए। बाद में जब इंदिरा ने फिरोज गांधी से शादी की तो तेजी और हरिवंश ने भी उनके रिश्ते को पूर्ण समर्थन दिया। वक्त बीतता गया और दोनों परिवारों के बीच घनिष्ठता बढ़ती गई। दोनों परिवारों को अक्सर छोटे बड़े पारिवारिक समारोह में एक साथ देखा जाता था। दूसरी तरफ ये तथ्य भी है, जो कि हरिवंश राय बच्चन की ऑटोबायोग्राफी 10 द्वार से सोपान तक से ली गई है, कि सरोजनी नायडू ने साल 1942 में हरिवंश राय बच्चन और तेजी को पहली बार नेहरू परिवार में आमंत्रित किया था। वहीं से तेजी और इंदिरा की दोस्ती शुरू हुई थी। नेहरू परिवार के आनंद भवन में पहुंचे हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन को सरोजनी नायडू ने नेहरू परिवार से हकाकर मिलवाया था कि ये हरिवंश राय बच्चन हैं और यह उनकी कविता। इंदिरा गांधी को सरोजनी नायडू का यह वक्तव्य इतना भाया कि इंदिरा गांधी ने इसके बाद जब भी तेजी बच्चन की मुलाकात अपने किसी विदेशी दोस्त से करवाई तो उन्होंने तेजी का यही परिचय दिया। ये पारिवारिक रिश्ते दूसरी पीढ़ी में पहुंचने पर और भी प्रगाढ़ होते गए। 1942 में अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ और 1944 में राजीव गांधी का। अमिताभ और राजीव की मुलाकात अमिताभ के चौथे जन्म दिवस पर हुई, जब अमिताभ 4 और राजीव 2 वर्ष के थे। इंदिरा गांधी राजीव को अपनी गोद में लिए अमिताभ के घर पहुंची थी। बस यहीं से अमिताभ और राजीव के बीच दोस्ती के अंकुर फूटे, जो समय के साथ साथ एक वृक्ष का आकार लेने लगे। अमिताभ इंदिरा को आंटी कहा करते थे और इंदिरा भी अमिताभ को अपना तीसरा बेटा मानती थी। किशोरावस्था में इधर अमिताभ और रजिता पढ़ाई के लिए नैनीताल के शेरवुड स्कूल चले गए तो राजीव और संजय देहरादून के दून स्कूल। जब गर्मी की छुट्टियां होती तो चारों दोस्त दिल्ली में एक साथ छुट्टियां मनाते। छुट्टियों के वक्त अमिताभ और रजिताभ तो पूरे दिन ही पंडित नेहरू के निवास स्थल तीन मूर्ति भवन में रहा करते थे और जमकर मस्ती किया करते थे। हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद राजीव गांधी आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। इधर अमिताभ ने दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन इनके रिश्तों में कोई दूरी न आई। दोनों चिट्ठी के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहे। राजीव नियमित रूप से अमिताभ को चिट्ठी लिखा करते थे। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी को राजीव का हालचाल जानने के लिए अमिताभ से पूछना पड़ता था कि राजीव कैसा है। एक बार जब राजीव इंग्लैंड से हिंदुस्तान वापस आए तो अमिताभ के लिए एक उपहार लेकर आए। अमिताभ के हाथों में पैकेट सौंपते हुए बोले, या तुम्हारे लिए लाया हूँ। इस पैकेट में एक जींस की पैंट थी। अमिताभ की जिंदगी की यह सबसे पहली जींस थी जिसे उन्होंने सालों तक पहना। अफवाह यह भी उड़ती है कि इंदिरा जी ने ही अमिताभ को फिल्मों में आने के लिए प्रेरित किया था और उनके लिए कई सिफारिशी चिट्ठियां भी लिखी थी। इधर अमिताभ अभिनेता बने और राजीव पायलट, लेकिन दोस्ती जस की तस बनी रही। कई बार तो अमिताभ उस फ्लाइट से सफर किया करते थे जिसे राजीव गांधी उड़ा रहे होते थे। अमिताभ को हमेशा इस बात का आश्चर्य होता कि जब भी फ्लाइट में राजीव गांधी कोई अनाउंसमेंट करते थे तो कभी भी अपना सरनेम नहीं बोला करते थे, सिर्फ इतना ही कहते, आई कैप्टन राजीव। राजीव और अमिताभ अपने मन की बात एक दूसरे से साझा करते।
एक बार राजू विदेश से वापस आए तो उन्होंने अमिताभ को एक तस्वीर दिखाकर पूछा, अमित ये लड़की कैसी है? वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सोनिया माइनो थी। सोनिया जब पहली बार इंडिया आई तो एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने अमिताभ ही पहुंचे। इंदिरा को राजीव और सोनिया के संबंधों की जानकारी देने की जिम्मेदारी तेजी बच्चन को सौंपी गई। तब सोनिया करीब 2 महीने अमिताभ के घर पर ही ठहरी। सोनिया ने तेजी बच्चन के सानिध्य में भारतीय तौर तरीके सीखे। सोनिया का कन्यादान भी हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन ने ही किया और भाई के कर्तव्य को अमिताभ ने पूरा किया। लेकिन अमिताभ तो दूल्हे के दोस्त थे, इसलिए अमिताभ ने राजू सोनिया के विवाह के एक दिन पहले सोनिया से राखी बंधवा ली। इस तरह वे दोनों भाई बहन बन गए। सोनिया ने न सिर्फ अमिताभ को अपना भाई माना बल्कि हरिवंश बच्चन और तेजी को अपना माता पिता भी माना। सोनिया यहाँ तक कहती थी कि तेजी उनकी तीसरी माँ है। भारत में जब आपातकाल लागू हुआ उस समय अमिताभ की छवि एंग्री यंग मैन की हो चुकी थी, लेकिन उस समय भी अपने दोस्त राजीव और गांधी परिवार के साथ खड़े रहने पर अमिताभ को मीडिया की आलोचना झेलनी पड़ी, जिसे देखते हुए अमिताभ ने राजीव से थोड़ी दूरी बना ली। अब अमिताभ अपने दोस्त राजीव को रिसीव करने एयरपोर्ट भी नहीं जाते। इस बात से राजीव को काफी धक्का पहुंचा। आपातकाल के बाद एक जनसभा के दौरान जब इंदिरा गांधी ने अमिताभ को उस जनसभा में बुलाया तो उनकी मां तेजी ने अमिताभ को जाने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था इस बात से अमिताभ के फिल्मी करियर पर बुरा असर पड़ेगा। बस फिर क्या था, यहीं से इंदिरा और तेजी के वर्षों पुरानी दोस्ती में दरार आ गई। 1980 में एक मौका ऐसा भी आया जब इंदिरा गांधी ने तेजी बच्चन की जगह राज्यसभा सीट के लिए नरगिस को चुना। कुली की शूटिंग के दौरान पुनीत इस्सर के घूसे से अमिताभ बच्चन बुरी तरह से घायल हो गए। अमिताभ बच्चन हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे तो उन्हें देखने के लिए इंदिरा गांधी हॉस्पिटल पहुंची। पत्रकार राशिद किदवई ने अपनी किताब में बताया है कि इंदिरा को देखकर अमिताभ ने कहा था, आंटी मैं सो नहीं पा रहा हूं। अमिताभ के इतना कहने पर इंदिरा गांधी रो पड़ी थी। इतना सब होने के बावजूद भी इंदिरा ने राजीव को बहुत पहले यह चेताया था कि तेजी के बेटे अमिताभ को राजनीति में कभी मत लाना, लेकिन इंदिरा गांधी की मौत के बाद राजीव अमिताभ को राजनीति में लेकर आए और उन्हें कांग्रेस की टिकट पर इलाहाबाद से चुनाव लड़ाया, जिसमें अमिताभ रिकॉर्ड 62% वोटों के साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एचएन बहुगुणा को मात देती। ये दोनों ही परिवारों के लिए एक हर्ष का विषय था। अमिताभ बच्चन कांग्रेस की यूथ ब्रिगेड का हिस्सा थे। राशिद किदवई ने अपनी किताब में यह दावा किया है कि अमिताभ बच्चन ने राजनीति में आने के बाद राजीव गांधी की सरकार में अधिकारियों की नियुक्ति और ट्रांसफर में दखल देने लगे। इस बात से राजीव अमिताभ से काफी नाराज रहा करते थे। बाद में जब बोफोर्स घोटाले में अमिताभ के भी शामिल होने की खबर मीडिया में उठी तो अमिताभ ने राजनीति से संन्यास लेना ही उचित समझा। सांसद के पद से इस्तीफा देने के बाद राजीव से अपना संबंध लगभग खत्म कर लिया। वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारतीय ने अपनी किताब वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं में लिखा है कि जब वीपी सिंह सरकार के समय राजीव गांधी विपक्ष के नेता थे और अमिताभ बच्चन उनसे मिलने आए थे, उस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजू शुक्ला भी वहाँ मौजूद थे। जब अमिताभ चले गए तो राजीव गांधी ने कहा, ही इज अ स्नेक, मतलब कि ये एक सांप है। पुस्तक में यह भी बताया गया है कि जब भी कोई विदेशी मेहमान भारत आता था तो राजीव अमिताभ को जरूर बुलाते। राजीव विदेशी मेहमानों के सामने अमिताभ का परिचय सांसद के नाते कम और अभिनेता के नाते ज्यादा कराते। राजीव अमिताभ बच्चन से कहते कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है गाने पर नाच करके दिखाओ। अमिताभ को जैसा भी लगता रहा हो पर उन्हें यह सब करना ही पड़ता था। '91 में राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया अकेली पड़ गई। ऐसे में भी उनके हाथ अमिताभ की बेरुखी ही लगी। राहुल गांधी की पढ़ाई के लिए सोनिया गांधी ने अमिताभ बच्चन से फीस का इंतजाम करने को कहा था, लेकिन उन्होंने इसमें टाल मटोल की। राहुल उन दिनों लंदन में पढ़ाई कर रहे थे। अमिताभ बच्चन ने कहा, पैसे तो ललित सूरी और सतीश शर्मा ने गड़बड़ कर दिए, कुछ है ही नहीं, लेकिन मैं कुछ करूंगा जरूर। सूरी और शर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, उन्हें राजीव गांधी का बेहद करीबी माना जाता था। पुस्तक में बताया गया है कि जब राजीव गांधी जीवित थे तब सूरी शर्मा और बच्चन ने मिलकर चावल का व्यापार करना आरंभ किया था। खैर, इसके 2 दिन बाद अमिताभ बच्चन ने सोनिया गांधी के पास $1,000 का चेक भिजवाया, लेकिन सोनिया ने उसे गुस्से में वापस लौटा दिया। रिश्तों में खटास का आलम देखिए कि 18 फरवरी 1997 को प्रियंका की शादी की डेट सुनिश्चित हुई, लेकिन उसके 2 दिन पहले यानी 16 फरवरी 1997 को अमिताभ ने अपनी बेटी श्वेता की शादी का डेट रखा, जिससे एक दूसरे के यहाँ उनको जाना भी न पड़े और प्रियंका की शादी को मीडिया में कम तवज्जो मिले। एक वक्त ऐसा भी आया जब अमिताभ का न सिर्फ फिल्मी करियर डूबा बल्कि उनकी कंपनी ABCL भी भारी घाटे में चली गई, जिससे अमिताभ
दिवालिया हो गए। तब अमिताभ के डूबते करियर को उबारने में अमर सिंह ने काफी मदद की। अमर सिंह काफी समय तक मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे थे। इसके बाद अमिताभ बच्चन भी मुलायम सिंह और उनके परिवार और पार्टी के करीबी हो गए। वह कई मौकों पर मुलायम सिंह के साथ दिखाई देने लगे। अमिताभ खुद फिर कभी राजनीति में एक्टिव नहीं हुए। बाद में जया बच्चन समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। 2004 में एक सभा के दौरान जया बच्चन ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, जो लोग हमें राजनीति में लाए वही हमें मझधार में छोड़कर चले गए। जब हम मुसीबत में थे तो उन लोगों ने हमसे किनारा कर लिया। वह लोग आज देश में धोखा देने के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले भी अमिताभ बच्चन ने गांधी और बच्चन परिवार के संबंधों पर चर्चा करते हुए कहा था कि वह लोग राजा हैं और हम लोग रंग, और राजा और रंग का कोई मेल नहीं होता। जया बच्चन के बयान के बाद कांग्रेस सरकार अमिताभ बच्चन पर राजनीतिक हथकंडे फेंकने लगी। अमिताभ बच्चन को इनकम टैक्स अधिकारी परेशान करने लगे। अमिताभ बच्चन इन मामलों की वजह से इनकम टैक्स विभाग की परेशानियों का शिकार होने लगे। बार बार पर इनकम टैक्स द्वारा उनका नाम खबरों में उछाला जाने लगा। इसके बाद तो संबंध ऐसे बिगड़े कि एक समय पर कट्टर कांग्रेसी कहलाने वाले अमिताभ फिर कभी कांग्रेस के पाले में नहीं गए। और आज भी इन दो परिवारों के बीच अंबुजा सीमेंट से बनी एक मोटी दीवार खड़ी है जो टूटती ही नहीं। तो दर्शकों, कुछ इस तरह रही गांधी और बच्चन परिवार के मिलने और बिछड़ने की कहानी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। राशिद किदवई और संतोष भारतीय जी को हार्दिक आभार। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।